YM योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट इस दिन जारी होगा। साथियों भिवानी बोर्ड का बड़ा महाफैसला, 12वीं का जो 10वीं का रिजल्ट का जो तिथि है वो तिथि जारी कर दिया गया है, रिजल्ट डेट आउट कर दिया गया है। साथियों अभी अभी ये डेट आउट करने का काम किया गया है, इसके साथ साथ एक नोटिस एक लेटर भी जारी करने का काम किया गया है। साथियों नोटिस व लेटर भी हम आपको दिखाएंगे, वो नोटिस का भी बड़ा महाफैसला बड़ा महाधमाका सरकार ने किया है। तथ्यात्मक वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है भाई कोई जो रिजल्ट डेट आ गई, अरे भाई रिजल्ट डेट आया तो उसका तथ्य भी तो होना चाहिए। कहीं जो रिजल्ट डेट है, अरे भाई रिजल्ट डेट है तो रिजल्ट डेट कहां से आई कैसे आई उसका तथ्य भी दिखाए ना। बहुत से मार्केट के अंदर चैनल चलते हैं अपनी तो सहानुभूति सबके साथ है, बाकी अपना YM योजना हरियाणा हो, हरियाणा जॉब सिटी हो, HD सरकारी योजना हो, तीनों अपने अपने फील्ड के टॉप हरियाणा प्रदेश के चैनल है। ठीक है, योजना कोई नहीं करता स्पेशल कवरेज, आप करते हैं एकमात्र चैनल हरियाणा का सफलतम, हमने इसको चलाकर आपके लिए दिखाया। जॉब में नंबर एक चैनल अपना है, क्यों तथ्य दिखाते हैं। अभी रिजल्ट डेट आउट हुआ तो इसका ऐसे नहीं ये तारीख ये तारीख ये तारीख, अब बच्चा भी कंफ्यूज आ रही है तारीख, ये मास्टर बता तो रहा है सर बता तो रहा है लेकिन यो तो पता ही कौन नहीं भाई इसके पास आई कहां से, तो वो भी हम दिखाएंगे। नोटिस जारी हुआ है वो भी हम दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, रिजल्ट की पल पल की कवरेज करने का हम आपके लिए काम करेंगे। ठीक है साथियों, जो रिजल्ट के इच्छावान साथी हैं वो जुड़ सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हरियाणा फैमिली आईडी हरियाणा जॉब सिटी के साथ भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा फैमिली आईडी हरियाणा BPL राशन कार्ड हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे सटीक विश्वसनीय करने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला हरियाणा की सरकार ने योजना कब इस योजना का पैसा कब जारी किया, हरियाणा सरकार ने इस योजना के कब जारी की, ये घोषणा CM साहब ने कब किया, ये आदेश कब आया, ये नोटिस कब जारी हुआ। ठीक है, फैमिली आईडी BPL राशन सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। ठीक है, ये आप जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का प्रदान कर दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मोदी सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, नायब सैनी सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं को फॉर्म भर के दिखाना हो, सारा सब कुछ इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं फिर रिजल्ट डेट का वो दिखाएंगे। ठीक है, ये चर्चा जो है साथियों इसमें जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और जो इन्होंने कहा है हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लिख किया है कि भाई अब तक जो है एकल एक बार जो है परीक्षाएं 10वीं 12वीं की आयोजित हरियाणा प्रदेश के अंदर होती हैं, इससे जो है बोझ बढ़ता है, तो इसीलिए हमने अब की बार फैसला लिया है कि परीक्षाएं जो आयोजित हम करेंगे, अगला जो सेशन आपका जो ये सेशन अब चल रहा है 24 से 25 वाला, इसमें दो टर्म में परीक्षाएं लेंगे। पहले तो दो बार परीक्षाएं होती थी हरियाणा बोर्ड के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर HBSC इसके अंदर दो बार परीक्षा होती थी, फर्स्ट सेम सेकेंड सेम। लेकिन हाल ही में कुछ साल पहले क्या किया गया, इसको मर्ज कर एक ही बार में परीक्षाएं CBSE के पैटर्न पर आयोजित होने लगी। तो अब इन्होंने कहा है कि भाई जो है यहां पहले जून जुलाई माह अब सेकेंडरी अध्ययनरत कोई परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार अध्ययन वो पूरी चीजें इन्होंने लिखा है। तो भाई अब इसके अंदर यो है आपका जो नया सेशन चल रहा है यो जो अब वर्तमान में 12वीं में हुए 11वीं पास किया है और जो 9वीं से 10वीं हुआ इनका दो टर्म में परीक्षाएं होंगी, दो सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी। ठीक है, अब तक क्या था एक ही बार में इकट्ठी परीक्षा होती थी मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो साथियों ये वो कर दिया है। अब सीधा जो है रिजल्ट को लेकर चलता हूं आपको, सीधा मैं रिजल्ट के धमाके पे लेकर चलता हूं आप सभी ने, जो भाई देख सकते हो हरियाणा में 15 मई को अभी 32 मिनट पहले यो आया है, चंडीगढ़ से यो फैसला लिया गया है। हरियाणा में 15 मई को आएगा 12वीं का रिजल्ट, भाई 15 मई को रिजल्ट आपका 12वीं का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड श्री VK यादव जी ने 10 दिन पहले ऐलान किया था कि दूसरे सप्ताह के अंदर रिजल्ट आपका घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों दूसरे सप्ताह हमने से कहा था कि वही 14-15 मई के आपको रिजल्ट घोषित होगा, तो भाई 15 मई को यह दैनिक भास्कर है, हरियाणा का सबसे सर्वाधिक पढ़ाया जाने वाला समाचार पत्र है और डिजिटल सर्वाधिक जो है टॉप पर दैनिक भास्कर समाचार पत्र है। तो भाई 10 दिनों में हो जाएगा मूल्यांकन, यानी कापियां जो आपकी चेकिंग है वो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी कापियां चेक कर ली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इनका जो है आज तारीख क्या हुआ है, आज तारीख हो गया 18 से 12 दिन लगा लो 30 अप्रैल तक आपकी परीक्षाएं का ये कापियां चेक हो जाएंगी,
चीन से 4 दिन के अंदर मिलान हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आपका अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 15 मई को 3,12,000 के स्टूडेंट्स ने आपका जो है परीक्षा दिया था। ये तो 12वीं का रिजल्ट डेट आपका हो गया। 10वीं का जो रिजल्ट डेट आपका है भाई, 10वीं का जो रिजल्ट है वो आपका मान के चलिए 13 मई को आपका आ जाएगा, ठीक है। 13 मई को 48 घंटे पहले आपका रिजल्ट जो है 10वीं का घोषित कर दिया जाएगा। अब मैं इसको दिखा देता हूँ भाई, ये आप देख सकते हो हरियाणा में 12वीं के बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की डेट फिक्स हो गई है। भिवाड़ी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई को बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 दिनों में मूल्यांकन का काम पूरा हो जाएगा। भाई चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव का ये स्टेटमेंट आया, बोर्ड ने 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक आपकी परीक्षाएं ली, 12वीं परीक्षा आयोजन किया। बोर्ड 5 जनवरी को HBSC का डेट शीट जारी किया था और 25 जनवरी को इसे संशोधित किया था। यानी 5 जनवरी को डेट शीट आपका एग्जाम आ चुका था, 25 को इसमें कुछ बदलाव हुए तो वो चेंजिंग किया था। हर साल 3,00,000 स्टूडेंट देते हैं, तो भाई लगभग 3,00,000 स्टूडेंट ये 12वीं का है, करीबन करीब इतने स्टूडेंट आपके 10वीं के हैं। तो 10वीं का परीक्षा परिणाम आपका 13 मई को, 12वीं का परीक्षा परिणाम 15 मई को आपका घोषित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।